नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खूबसूरती बढ़ाने का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये नुस्खा है हमारे अनवांटेड हेयर्स को हटाने का, और सिर्फ हटाने का नहीं, परमानेंटली हटाने का। यानी जब हम एक बार इस नुस्खे से, यानी जो आज हम आपको नुस्खा बता रहे हैं, इससे हेयर्स को हटा देंगे तो हेयर्स आपके दोबारा नहीं आएंगे। पर दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं जो हमारे YouTube पर और इंटरनेट पर लिखी जाती हैं कि आप एक बार में अपने हेयर्स को परमानेंटली हटा सकते हैं। इन रियल में ऐसा नहीं हो सकता, ये समय के साथ होगा। आपको हमारे इस बताए हुए नुस्खे को कुछ समय के लिए यूज करना पड़ेगा, और आप जैसे लगातार इसको इस्तेमाल करेंगे, आप खुद फर्क देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपके बाल कम आने लग गए हैं, और थोड़े दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बाल आने बंद हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे इस नुस्खे को आप बना सकते हैं और अपने बालों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। इसके दो पार्ट होंगे। दो पार्ट का मतलब, एक पार्ट में हम आपको बताएंगे कि बालों को हटाना कैसे है, यानी एक ऐसा मास्क बनाना जिनसे आप अनवांटेड हेयर्स को हटा सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसे बनाकर आप उन बालों को दोबारा आने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पैक को बनाने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क, जिलेटिन पाउडर और लेमन। हाफ लेमन हमारे लिए काफ़ी है। हमारे को एक बाउल लेना होगा, और मैंने ये 2 चम्मच जिलेटिन पाउडर ले रखा है। ये जिलेटिन पाउडर आपको आपके आसपास किसी भी दुकान पर मिल सकता है। अगर आपको ये किसी दुकान पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक चाहिए तो वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और आप उसके द्वारा इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैक हम बना रहे हैं, पहला स्टेप है जिसके द्वारा हम अपने अनवांटेड हेयर्स को हटाएंगे। ये रॉ मिल्क है दोस्तों, इसको हम 2 से 3 चम्मच इसको पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर मिला लेंगे, कुछ इस तरीके से। ये हमने जिलेटिन पाउडर के अंदर डाल लिया है, और साथ में हम इस हाफ लेमन का यूज करेंगे, और हाफ लेमन अपने इस दूध के अंदर और इस पेस्ट के अंदर डाल लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे को रॉ मिल्क लेना है और इस तरीके से इसको एक पेस्ट के रूप में बना लेना है। ये आप देख सकते हैं, अब ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। लेमन को इसके अंदर, जिलेटिन पाउडर के अंदर इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसकी गंध बहुत गंदी होती है, यानी गंध बहुत ज़्यादा चढ़ती है। आप देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। एक चीज़ का और ध्यान रखें दोस्तों, जब हम इस तरह का पेस्ट बनाते हैं, खासकर ये पेस्ट बनाते हैं, तो हमारे को इसमें कोई भी मेटल की कटोरी या चम्मच वगैरह यूज नहीं करनी है। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमेशा कांच के बर्तन ही इस्तेमाल करें। ये हमने इसको मिला लिया है। अब इसके बाद हम इसको डबल बॉयल करेंगे, यानी हम इसको अपने इस पेस्ट को इस पानी के अंदर इस तरीके से रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, और इसे थोड़ा सा नरम बनाने के लिए, लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे को इस तरीके से गर्म पानी में रखना पड़ेगा ताकि ये पिघल जाए और पेस्ट अप्लाई करने लायक हो जाए। इतनी देर में ये मेल्ट होता है, हम दूसरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं, यानी इसका पार्ट 2, जिसके द्वारा हमारे को अपने बालों को दोबारा आने से रोकना है। इतने हम एक पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए हमारे को चाहिए दूसरे पेस्ट के लिए मुलेठी पाउडर, और साथ में थोड़ी सी हल्दी, और वही लेमन दोबारा से चाहिएगा हमारे को। इस पेस्ट के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अब इस पेस्ट को बनाने के लिए हम फिर से वही बाउल लेंगे। एक बाउल लेकर इसके अंदर हमने ये 1 चम्मच मुलेठी पाउडर ले रखा है, इसको डाल लेंगे। आप आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हल्दी, हमने इस हल्दी को पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया है, आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। और ये आपको 1/4 चम्मच का 1/4 भाग हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, ये इसके अंदर डाल लीजिए, और साथ में हाफ लेमन, ये हम इस पेस्ट के अंदर डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मिक्स हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे ताकि इसको अच्छे से पेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकें, ताकि इसको लगाने में आसानी हो और पेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये भी हमारा पेस्ट तैयार है। दोस्तों, हमने इसके अंदर एक मुलेठी पाउडर मिलाया है। मुलेठी पाउडर हमारे बालों को, यानी जो हमारे ये रोएं हैं, इनको
अंदर जाकर इनकी जड़ों को खत्म कर देता है, कमजोर कर देता है। यही वो कारण है जिसके कारण बाल दोबारा से नहीं आ पाते हैं। आप देखेंगे ये हमारा दूसरा पेस्ट तैयार हो गया है और अब हम लोगों के सामने दोनों पेस्ट तैयार हैं। एक तो हमारा ये जिलेटिन पाउडर वाला, ये आप देख पा रहे हैं ये जिलेटिन पाउडर वाला पेस्ट है, और इसका दूसरा पार्ट है हमारा इसको वापस ना आने देने वाला। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों वैसे तो मुझे अपने हाथ के बाल, यानी जो हमारे मेरे हाथ पे ये हेयर्स आए हुए हैं, अच्छे लगते हैं, पर मैं आपको डेमो दिखाने के लिए इन्हें रिमूव करके दिखाता हूँ, उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने ब्रश ले लिया है, फेस मास्क के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं वो ब्रश ले लिया है, जिससे अच्छी तरह से इस पेस्ट को अप्लाई किया जा सके। अब ये देखिए इस पेस्ट को मैं इस तरीके से लगा लूँगा। अब हमने इसको इस तरीके से हाथ पे अप्लाई कर लिया। आप इसे इस तरीके से ही फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ पे कितने बाल हैं, अनवांटेड हेयर्स हैं, जिन्हें मैं अभी आपको रिमूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये एक पील पैक है जिससे आप आसानी से अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये टाइट हो जाए और अच्छे से रिमूव हो पाए। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि इसके बाद में मेरे सारे जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और इसके बाद में रिमूव होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको दोबारा आने से रोकना है। दोस्तों इस हेयर रिमूवल पैक को बनाने के लिए हमने इसके अंदर यूज किया है जिलेटिन। जिलेटिन स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है, साथ ही टाइट होकर हमारे इन अनवांटेड हेयर्स को निकालने में हमारी मदद करता है। दोस्तों इस पैक में हमने कच्चे दूध को भी इस्तेमाल किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, दूध गुणों का भंडार है। दोस्तों इसमें हाई लैक्टिक एसिड कंटेंट होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों दूध हमारे स्किन की डेड सेल्स को ख़त्म करता है और इसके अंदर अलग से नोरिशमेंट लेके आता है, चमक लेकर आता है। दोस्तों साथ ही हमने इसमें यूज किया है लेमन का। दोस्तों लेमन जेलेटिन की स्मेल को ख़त्म करता है। आप जैसे कि जानते हैं लेमन के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारे स्किन को गोरा करने में और चमक लाने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। दोस्तों हमने जो ये पैक इस्तेमाल किया है इसकी मदद से आप देखेंगे कि आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें 10 मिनट हो गए हैं इस पैक को लगाए हुए। अब हम इसको पील पैक की तरह उतार लेंगे। इस तरीके के पैक को उतारते टाइम एक बात जरूर ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स हैं उससे इस पैक को उल्टी डायरेक्शन में उतारना होता है, यानी हेयर्स नीचे की साइड है तो इसको ऊपर की साइड ही खींचना होगा, तभी ये अच्छे से असर करेगा। दूसरी बात, अगर ये फेस पे आप यूज करते हैं तो फेस पे भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है, यानी इस पैक को नीचे की साइड से उतारना शुरू करना है। तो दोस्तों अब हम इसको चेक करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए ये इस तरह से चिपकना बंद हो गया है, इसका मतलब अब ये उतर सकता है। इसका जोड़ ढूंढिए और इस तरीके से इसको आप आराम आराम से ऐसे उतार सकते हैं। ये आप देखेंगे कि कैसे उतर रहा है। ये एक पील पैक है जो बहुत ही आसानी से उतर जाता है। आप देख पा रहे हैं ये आप कैसे उंगलियों को चिपकेगा, और आपको इस तरीके से इसको उतारना है। ये अपने साथ में हेयर्स को ले आएगा। अब क्योंकि एक हाथ इंगेज हो चुका है तो हम इसको अच्छे से, अब मेरा एक हाथ इंगेज हो चुका है इसलिए थोड़ा उतारने में परेशानी हो रही है। अगर आपको ये ही पैर या फेस पे से करना है तो ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। अब इसके बाद में हम हाथ को धो लेते हैं। हमने इस पैक को पूरी तरह से उतार लिया है कि हमारे हेयर पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं। ये मैंने यहाँ तक पैक लगाया था तो मेरे यहाँ तक हेयर रिमूव हो गए हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमने अभी पील पैक उतारा है, आप इसमें खुद देख सकते हैं, देखो कैसे हेयर्स आ गए हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पैक को पील कर लिया है और आप देखेंगे मेरे हाथों पे एक भी अनवांटेड हेयर नहीं रहा है, यानी मैंने जहां तक इसको लगाया था यहां तक एक भी बाल नहीं रहा है, आप खुद देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमने पैक यूज किया है तो हमारे स्किन के जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं यानी रोम छिद्र हैं, वो खुल गए हैं। अब इस पैक के साथ साथ ही हमें अपना जो पार्ट टू है पैक का, जो दूसरा वो बनाया है, वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी हमारे रोम छिद्र खुले हुए हैं और उन रोम छिद्रों के अंदर जो मैं ये दूसरी औषधि आपको बता रहा हूँ, ये दूसरा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ये उसके अंदर मुलेठी पाउडर और हल्दी इसके अंदर जाके हमारी जो बालों की जड़ें हैं उनको अपने आप से कमज़ोर कर देगा और बालों को दोबारा उगने से रोकेगा। ऐसा एक बार में नहीं होगा दोस्तों, यह आपको कुछ समय तक करना पड़ेगा। दोस्तों
आप जैसे कि देखते हैं इंटरनेट पर तरह तरह की विधियां हैं जिनसे आप परमानेंट हेयर रिमूव कर सकते हैं, पर दोस्तों ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे आप एक बार में ही अपने हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर सकें। दोस्तों ये समय के साथ होता है। ऐसी तो हमारी जो लेजर टेक्निक है वो भी नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट में भी कम से कम 10 से 15 बार लेजर करवाना पड़ता है जब जाकर परमानेंटली हेयर रिमूव होते हैं, और कई बार तो 10 से 15 ट्रीटमेंट के बाद भी हेयर परमानेंटली रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको ये नुस्खा बताया है इसकी मदद से आप देखेंगे कि आपके हेयर्स आने बहुत कम हो गए हैं और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी फोड़े फुंसी के। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपने अपने हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर लिया है। पर ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार ही लगाएं और एक बार में ही रिजल्ट पाएं। अगर आप इसके अलावा हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वैक्स में भी हमारे जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। पर जिनको वैक्स साइड इफेक्ट करती है, यानी वैक्स के कारण फुंसियाँ निकलाती हैं या फिर और कोई साइड इफेक्ट होता है, वो इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, पर अगर हम रेजर द्वारा अगर अपने हाथों को साफ करके और इस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना असरकारक नहीं होगा, क्योंकि रेजर से बाल काटने पर ये बालों को सिर्फ ऊपर ऊपर से काटता है और हमारे जो रोम छिद्र हैं वो नहीं खुल पाते हैं, और इसी कारण जो हमारा ये पेस्ट है जो हमने दूसरी औषधि बनाई है ये बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर ये बालों की जड़ों में नहीं पहुंचेगी तो असर कैसे करेगी, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों इस पेस्ट में जो हमने मुलेठी पाउडर इस्तेमाल किया है ये हमारी जड़ों में जाके इन बालों को दोबारा से बढ़ने से रोकेगा, और साथ ही इस पैक के अंदर हल्दी का इस्तेमाल हुआ है जो हमारी स्किन की नोरिशमेंट को लेके आती है और कोई भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होने से रोकती है। साथ ही ये भी बालों को बढ़ने की गति को कम करती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा किसी भी प्रकार के अगर हम पैक बनाते हैं बालों को बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए, तो उसमें हल्दी और मुलेठी का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों बालों को बढ़ाती नहीं, बढ़ने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से अब हम इस पेस्ट को लगा देंगे जहाँ के हमने बालों को रिमूव किया है वहाँ पर। दोस्तों ये बालों को दोबारा से ना उगने देने का एक नायाब तरीका है। आप देखेंगे कि आपके बाल दोबारा से इसके कारण नहीं उगेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके बाल अभी जड़ से उखड़े हैं और आपके जो रोम छिद्र हैं वो खुले हुए हैं, तो ये पेस्ट लगाने के बाद आपको थोड़ी सी जलन महसूस होगी। इस तरीके से इसको लगाकर और दोबारा इसे सूखने देना है। इसे आप 10 मिनट तक लगाए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। दोस्तों इस आयुर्वेदिक तरीके से आप धीरे धीरे अपने बालों को बढ़ने से यानी आने से रोक सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपके जिस पार्ट पे आप चाहते हैं कि वहाँ पे अनवांटेड बाल आए हुए हैं और वो ख़त्म हो जाएं, वो सारे इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। आपको इस तरीके से इस पैक को रिमूव कर लेना है, हाथों को धो लेना है। दोस्तों इस पैक को वॉश करने के बाद आपका जो आखिरी स्टेप होगा वो ये होगा कि फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी ले लीजिए और ठंडे पानी से इस तरीके से इसको डुबो लीजिए, यानी क्योंकि हमारे जो पोर्स खुले थे, जो बालों को हटाने के कारण खुले थे और जिनका हमने ट्रीटमेंट किया है अभी इस दूसरी औषधि के द्वारा, इनको दोबारा ठंडे पानी से बंद करना है। अगर आपके पास बर्फ अवेलेबल है तो आप उस हिस्से पर बर्फ रगड़िए, वो सबसे उत्तम होगा। अगर आप बर्फ रगड़ते हैं तो भी आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, यानी इनमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं जा पाएगी। दूसरा, आपके जो हेयर्स हैं, अनवांटेड हेयर हैं, वो दोबारा से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका लाइव रिजल्ट, मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से हमने हेयर्स को रिमूव किया है और दूसरा इन हेयर्स को दोबारा आने से रोका है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोगों के सामने नई नई औषधियाँ और नए नए सौंदर्य को बढ़ाने के तरीके लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।